गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साई बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है अनुराधा नक्षत्र। विरक्ति और शक्ति दोनों इसी नक्षत्र में आते हैं। इन दो गुणों को एक साथ संभालना कोई छोटी बात नहीं है। अनुराधा नक्षत्र के लोग अगर अच्छी तरीके से अपना जीवन बिताए तो वो ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। ये है 17वां नक्षत्र। पूर्ण रूप से ये वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक राशि को जो थोड़ा निगेटिव बताया गया है वैसे वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट जो विशाखा नक्षत्र के कारण वृश्चिक राशि का है, थोड़ा सा निगेटिव मैटर जो है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र के लोग इस वृश्चिक राशि के निगेटिव कल्पना को अच्छी तरह से छेद देते हैं। मतलब अनुराधा नक्षत्र के लोग बिल्कुल वृश्चिक राशि के लोग नहीं लगते। इस नक्षत्र का चिन्ह है कमल। कमल हमें ये सिखाता है खुद को सुंदर, पवित्र और सुगंधी रखा जा सकता है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनि। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से जीवन भर शनि और मंगल का प्रभाव रहता है। अपने यंग एज में ये बहुत स्ट्रांग, गुस्से, एक्टिव, डेयरर मतलब धाड़सी, साहसी रहेंगे और धीट रहेंगे। जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाएंगे ये शांत शांत होते जाएंगे, लेकिन ये अपनी पावर हमेशा अपने साथ रखेंगे। इस नक्षत्र की देवता है आदित्य देव, सूर्य नारायण, और इस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है बकुल। मराठी मध्ये त्याला म्हणतात बकुळ, हिंदी में उसको कहते हैं बकुल। ये वृक्ष है, अगर इसको फूल नहीं होंगे, साल में इसको दो बार फूल आते हैं, ये फूल तीन तीन महीने रहते हैं, फिर ये सब फूल झड़ जाते हैं और फिर इसको फल आते हैं। वो फल सभी को खाना पसंद है, वो मीठे होते हैं थोड़े से और ये शरीर को बहुत शांति देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आराध्य वृक्ष हर एक नक्षत्र का इस वजह से है क्योंकि उस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को जिस बात से परेशानी होती है वो परेशानी वो वृक्ष दूर करता है, इसलिए वो उनका आराध्य वृक्ष है। आराध्य वृक्ष है तो हमको बस उसके पास जाके उसकी पूजा ही करनी है ऐसा नहीं है, हमको उसको लगाना है, उसका रख रखाव करना है, उसके पास जाके बैठना है, हो सके तो उसको चौथरा बना के रखना है, बीच बीच में हो सके तो उसको पानी डालना है, उसको अगर कुछ रोग लगे तो दवाई देनी है, और अगर फिर हमको और भी अच्छा लगे तो वहाँ पे हम किसी भगवान का स्थान बना सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं या फिर बस पूजा कर सकते हैं। तो इसका आराध्य वृक्ष है बकुल। और मैं खासियत बता रही थी दोनों बातों की, नक्षत्र अनुराधा की मतलब इसमें पैदा हुए लोगों के बारे में और बकुल, ये दोनों एक समान ही है। जब इस वृक्ष को फूल नहीं होते तो इस वृक्ष को देख के कोई बता नहीं सकता कि इसको इतने सुगंधी, इतने प्यारे और इतने सारे फूल आते होंगे। जब फूल नहीं होते तो ये वृक्ष बहुत ही रुक्ष स्वभाव का लगता है। रुक्ष स्वभाव मतलब अरसिक, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, थोड़ा कठोर। लेकिन जब इसको फूल आते हैं तो लगता है कि ये कितना प्यारा वृक्ष है। अनुराधा नक्षत्र के लोग भी ऐसे ही होते हैं। जब तक शादी नहीं होती और इनको बच्चे नहीं होते तब तक ये बहुत अलग स्वभाव के होते हैं, और जैसे ही इनको बच्चे हो जाएं वो इतने अलग तरीके से पेश आते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। और एक बात, ऊपर ऊपर से अनुराधा नक्षत्र के लोग बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन
एक्चुअल में वो होते नहीं हैं वैसे, वो बहुत कोमल अंतकरण के होते हैं। अब देखते हैं अनुराधा नक्षत्र का अर्थ। अनु एक शब्द है और राधन ये क्रियापद वाला राधा, ये जो नाउन है, ये अनु और राधा ये जुड़ के ये शब्द बनाया है। अनु का मतलब है देर से करने वाला, देर से आने वाला, इसके बाद आने वाला। और राधा इस शब्द का मतलब है शक्ति, पावर, संतुष्टि, ऐश्वर्य, समाधान। अनुराधा का मतलब है बाद में, कुछ देर के बाद, अंत में ऐश्वर्य, समाधान, संतुष्टि, ऊर्जा, शक्ति, हाथ में पावर देने वाला। ये नक्षत्र है शनि का। शनि भी जो भी देता है देर से ही देता है, शनि झट से कुछ नहीं देता। वो पहले हमको तैयार करेगा, स्ट्रांग बनाएगा, बाद में हाथ में पावर देगा। तो इसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र के लोग कुछ सालों बाद या अपने जीवन के 40 साल के बाद पावर में आते हैं, उनको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन पद हो या ना हो, ऐश्वर्य मिले या ना मिले, वो कॉन्स्टेंटली अपना काम बहुत प्रामाणिकता से, बहुत वफादारी से करते रहते हैं। यही इनकी खासियत है। ये कपड़े चाहे जेवर भी पहने बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन ये उतारने के बाद या फिर अगर कोई किसी वजह से इनको सिंपल कपड़ों में किसी के सामने जाना है तो भी इनको बिल्कुल टेंशन नहीं आता कि अभी मेरे अच्छे कपड़े नहीं हैं या अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे पास कार नहीं है। तो ये बहुत सादगी वाला जीवन भी जीते हैं, एकदम रिलैक्स होके। और अगर अचानक से इनको किसी ने बोला कि अगर किसी के पास, समझे कि किसी अनुराधा नक्षत्र के इंसान के पास कार नहीं है, अगर और कोई इनका मित्र आ गया, कोई इनका भक्त आ गया या कोई इनका चाहने वाला आ गया और उन्होंने ऑफर किया कि चलो मैं आपको लिफ्ट देता हूँ, आप चलिए, तो ये इतना शानदार तरीके से उस कार में बैठेंगे कि कोई बोल ही नहीं सकता कि इनके पास इतनी बड़ी कार नहीं है। ये इनकी खासियत है। अनुराधा नक्षत्र है विरक्त नक्षत्र, इसका नक्षत्र स्वामी ही है शनि। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को अनुराधा नक्षत्र के फैशन के, सौंदर्य के फील्ड में काम करते हुए देखा है। लेकिन ये काम 1-to-1 पर्सन वाला नहीं होता। अगर फैशन है तो उनका खुद का बहुत बड़ा फैशन इंडस्ट्री होगी। अगर इनके पास इनका ब्यूटी पार्लर है तो ये उसमें टीचिंग ज़्यादा लेंगे। अगर इनका डेकोरेशन का है तो उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र होगा डेकोरेशन के लिए, बहुत बड़ी बहुत बड़ा फील्ड ये डेकोरेट करेंगे। और अगर ये किसी सौंदर्यपूर्ण वस्तु की विक्री करेंगे तो वो विक्री करने का वो बस विक्री नहीं करेंगे, वो उसका प्रोडक्शन करेंगे। और ये साल दर साल यही सोचते रहेंगे कि ये सुंदर तो है लेकिन इसको और मजबूत कैसे बनाया जाए, ऐसे क्या किया जाए कि ये लंबे साल तक टिकेगा, लंबे काल तक टिकेगा। यही इनकी खासियत है। आजकल का जो दौर है तो वो लोग बोलते हैं कि गारंटी नहीं होती, यूज एंड थ्रो है वगैरह वगैरह, लेकिन ये लोग जब कुछ बनाएंगे तो ये सुंदर भी बनाएंगे और टिकाऊ दमदार भी बनाएंगे। फैशन, डेकोरेशन, सुंदरता के क्षेत्र में होने के बावजूद भी, मतलब सभी लोग नहीं होते लेकिन जो लोग इसी क्षेत्र में हैं वो भी अंदर से खुद का जीवन सादगी भरा रखेंगे। मतलब अगर वो कोई ब्यूटिशियन है तो आपको वो हमेशा सजी धजी नहीं दिखाई देगी, वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगी। शनि का प्रभाव होने के वजह से इनका घर भी एकांत में रखना ये पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि ये घर ही बनाएंगे अलग थलग, ये फ्लैट में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका घर या फिर उनका काम, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व ये दूसरे लोगों से बहुत अलग तरीके से बिताएंगे। हो सके तो ये लोगों से कम घुल मिलेंगे, इनको लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं। लेकिन अगर इन्होंने किसी काम के वजह से लोगों के साथ जुड़ने की सोची, अगर इन्होंने सोचा कि अभी मुझे ये मेरा प्रोडक्ट है इसको लॉन्च करना है तो मैं कुछ
बड़ा आयोजन करूंगा, तो वो इस तरीके से लोगों में घुल मिल जाएंगे कि अगर किसी को पूछा जाए कि अरे ये अलग रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तो कोई भी उस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। इनका घर, इनका ऑफिस, इनकी कार, इनके कपड़े, चाहे ये अमीर हो गरीब हो, ये बहुत सिंपल रखेंगे, सुंदर रखेंगे। महंगे होंगे या नहीं होंगे ये तो बता नहीं सकते मैं, क्योंकि ऐश्वर्य मिलना, पैसा मिलना, ये बस नक्षत्र के ऊपर नहीं है। लेकिन इन नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं वो सादगी का जीवन जीते हैं, थोड़ा बड़ा खरीदते हैं, लेकिन वो खाली लगेगा, मतलब उसमें सामान वो ज्यादा रखना पसंद नहीं करते। लिमिटेड सामान से ये अपने घर को सजाएंगे, लिमिटेड फर्नीचर होगा। अगर कोई अनुराधा नक्षत्र की गृहिणी है तो उसके घर में लिमिटेड सामान होगा, लिमिटेड कपड़े होंगे, लिमिटेड जेवर होंगे, लिमिटेड उसके किचन में फर्नीचर होगा, खान पान की चीज़ें होंगी। और ये बहुत अच्छी तरीके से वो लोग प्लेस करते हैं, इनको सफाई बहुत पसंद होती है। बकुल वृक्ष है, आराध्य वृक्ष, तो आप समझ ही गए होंगे कि इन लोगों को सुगंध पसंद होगा। साथ ही साथ इन लोगों को आयुर्वेद का भी विचार, मेंदू, मस्तिष्क का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। एरोमा थेरेपी में अगर कोई करियर करना चाहता है तो उसका गुरु अनुराधा नक्षत्र का हो, या फिर वो खुद अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ हो, या फिर अनुराधा नक्षत्र के जो गुण हैं वो अपने अंदर देने की कोशिश ये लोग, इन लोगों को करनी चाहिए जो एरोमा थेरेपी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एरोमा थेरेपी है सुगंध से उपचार करने वाली थेरेपी। तो ये अनुराधा नक्षत्र के लोग बस सुगंध के चहेते नहीं होते, वो सुगंध के जरिए मन, विचार, मेंदू, वैचारिक क्षमता और उपचार प्रणाली के बारे में सोचेंगे। ये लोग आस्तिक होंगे या नास्तिक ये कहा नहीं जा सकता, ये अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन अगर ये लोग आस्तिक होंगे तो बहुत श्रद्धालु होंगे, पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर हो जाएंगे ये। और अगर ये नास्तिक होंगे, शायद कम नास्तिक होंगे, लेकिन अगर ये नास्तिक होंगे तो वो, जैसे मैंने बताया है एक वीडियो में, आस्तिक और नास्तिक, तो वो तीसरे टाइप के नास्तिक नहीं होंगे, वो पहले दो टाइप के नास्तिक होंगे जिनको पता ही नहीं है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने आस्तिक के बारे में बताया है और नास्तिक लोगों के बारे में मैंने तीन बातें बताई हैं, मतलब तीन प्रकार बताए हैं। उसमें से जो दो प्रकार के लोग हैं वो नास्तिक होते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अनुराधा नक्षत्र के लोग उस पहले दो प्रकार वाले नास्तिक होंगे जो नास्तिक होंगे ही नहीं। अनुराधा नक्षत्र के लोग अगर इनका शनि बिगड़ा है तो जल्दी निराश हो जाएंगे या जरूरत से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे। मेरी सलाह ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं है तो उसके ऊपर सोचना बंद करें, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम कि जिसका हल आपके पास नहीं है, उस प्रॉब्लम के अंदर जाना, अंदर घुसना, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बारे में सोचे। अगर कोई प्रॉब्लम आपके वजह से नहीं है और अगर उस प्रॉब्लम की आपके पास हल भी नहीं है, तो उसके बारे में सोचना या उसको, उस प्रॉब्लम को दूर करना, उसका प्रयास करना भी गलत हो जाएगा। शनि का प्रभाव होने के कारण इनकी आयु लंबी होती है, लेकिन जवानी से ही इनको जोड़ों में दर्द, सर में दर्द होना, पैर दुखना, पैर की उंगलियां दुखना, ये प्रॉब्लम जवानी से ही शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अगर इन्होंने इसका सही और ट्रीटमेंट, सही उपचार नहीं लिए तो ये फिर सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र के लोगों को मैंने दूसरों के बारे में बहुत सोचते हुए देखा है, अप टू सर्टन लिमिट ये ठीक है, लेकिन जब ये लोग दूसरों को मदद करने के सोचते हैं, दूसरों से बातचीत करने के लिए सोचते हैं, तो उनको, उनकी उन लोगों से बनती नहीं है इतनी। शायद वो खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, या शायद कम बोलना इनकी खासियत है इसलिए वो कम बोलते हैं, तो सामने वाले इनका हेतु ठीक से समझ नहीं पाते, पता नहीं।
लेकिन जब भी ये लोग दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते। अनुराधा नक्षत्र के लोगों के दिल में और दिमाग में अलग अलग विचार चालू रहते हैं। कभी कभी तो एक ही डिसीजन ये अलग अलग तरीके से सोचेंगे और वो डिसीजन एक दूसरे को क्रॉस हो जाएंगे। सिंपल सा उदाहरण देती हूँ मैं, सबको पसंद आएगा। जैसे कि मैं आज चावल बनाऊँ या बस रोटी बनाऊँ, अगर ऐसे कोई सोच रही है औरत, तो एक बार उसको लगेगा नहीं चलो मैं चावल बना लेती हूँ, लेकिन दूसरी ही टाइम में, दूसरे ही क्षण में उसको उसी स्ट्रांग पावर से लगेगा, वो उतना ही स्ट्रांग विचार करेगी कि नहीं नहीं मैं आज रोटी ही बना देती हूँ। फिर वो तैयारी शुरू कर देगी रोटी बनाने की, और फिर उसको लगेगा अरे नहीं नहीं चावल ही ठीक है, तो उसमें उसकी ऊर्जा बहुत ख़त्म हो जाएगी और ना चावल ठीक से बनेंगे ना रोटी ठीक से बनेगी। तो सोचिए, खुद के बारे में समझिए, दिल दिमाग में बहस चालू रहता है लेकिन हमको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अटेंशन, स्ट्रांग अटेंशन लेना है और कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना है। ये बात आप अभी से खुद को सिखाइए। एग्जैक्टली यही बात होती है अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के, कि उनके दिल में, दिमाग में, विचार में, हाथ से कुछ अलग 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 डिसीजंस हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको सलाह दूंगी कि वो खुद को प्रयास से इस साचे में ढाले कि वो एक पॉइंट पे आके अपने डिसीजन खत्म करे। वो ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर आपने फिक्स किया है कि अभी रोटी बनाऊंगी, तो वो फिर चावल बनाने के बारे में ना सोचे। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की और एक खासियत है कि ये सबको हेल्प करते हैं, परोपकार करते हैं, अपना स्वार्थ देखे बिना करते हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिए। एक लिमिट तक मदद करना ठीक रहेगा। हर किसी को अपना जीवन जीना है, हर किसी को अपना अपना कार्य करना होता है, तो उसका काम उसी को करने दें, बस उसको सपोर्ट करें। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को मैं ये सलाह दूंगी कि आप अभी से अपने जीवन के, अपने बुढ़ापे के लिए जमा पूंजी धीरे धीरे डालना शुरू कीजिए। मिलता जाएगा, उनको दूंगा तो कल वो मुझे देंगे बुढ़ापे में, ऐसा मत सोचिए। खुद अपने बुढ़ापे के बारे में सोचिए, क्योंकि सभी आप जैसे नहीं होते। अगर आपके कुंडली में शनि, गुरु, शुक्र बिगड़ा हुआ है तो आपका बुढ़ापा बहुत क्रिटिकल जा सकता है, और ये होगा ही होगा, तो ऐसा ना करें। भली भांति आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ, अगर आप अनुराधा नक्षत्र के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सोचिए और जिम्मेदारी से खुद के लिए अभी से अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ी थोड़ी पूंजी डालना शुरू करें। ओम साईं राम।